नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने लेगेसी वेरीफाइड अकाउंट यानी अनपेड अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिए हैं। गुरुवार रात जैसे ही 12 बजे वैसे ही लेगेसी वेरीफाइड अकाउंट से ब्लू टिक हट गए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भारत समेत दुनिया के तमाम देशों के नेताओं, अभिनेताओं, पत्रकारों, सिंगर और सेलिब्रिटीज के अनपेड अकाउंट से ब्लू टिक हटने लगे हैं। आज हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आपके लिए बहुत कुछ जानने और सीखने को है। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। दरअसल एक सप्ताह पहले ही ट्विटर के मालिक एलोन मस्क ने ब्लू टिक हटाने का ऐलान कर दिया था। हालांकि अभी भी कई सरकारी निकायों को ग्रे टिक मिला हुआ है और मीडिया घरानों सहित जो कुछ प्रमुख संगठन है उनको एक निश्चित संख्या में हैंडल के लिए मुफ्त गोल्डन टिक की पेशकश की गई। ट्विटर के मालिक एलोन मस्क ने पिछले साल ट्विटर ब्लू नामक एक सशुल्क सेवा की शुरुआत की। इसके पीछे उन्होंने यह लॉजिक दिया था कि यह पत्रकारिता का लोकतांत्रिकरण करेगी और लोगों की आवाज को सशक्त बनाएगी। इसका अनिवार्य रूप से मतलब ये है दोस्तों कि ट्विटर द्वारा सत्यापित किए गए वास्तविक अकाउंट्स को चिन्हित करने वाले ब्लू टिक अब उपलब्ध नहीं होंगे और टिक चाहने वालों को इसके लिए भुगतान करना होगा। आइए जानते हैं कि ट्विटर के इस कदम से कौन कौन प्रभावित हुआ है। DW की एक रिपोर्ट के अनुसार यह पता चला है कि मस्क द्वारा गुरुवार को सत्यापन प्रणाली समाप्त करने से पहले लगभग 3 लाख उपयोगकर्ताओं के खातों में ब्लू टिक था। जिन प्रमुख व्यक्तियों ने अपना सत्यापन खोया है उनमें पॉप आइकॉन बियांसे और सकीरा, माइक्रोसॉफ्ट के साथ संस्थापक बिल गेट्स, फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल है, जो कि वर्तमान में ट्विटर पर सक्रिय नहीं है फिलहाल। हालांकि तीन प्रमुख हस्तियों, महान बास्केटबॉल लेब्रोन जेम्स, लेखक स्टीफन किंग और स्टार ट्रेक टीवी श्रृंखला में कैप्टन जेम्स किर्क की भूमिका निभाने वाले अभिनेता विलियम सटनर ने बिना सब्सक्रिप्शन लिए ही अपने ब्लू टिक को बरकरार रखा है। अब ये सब क्या है, अस्नीर जी बताइए जरा। ये सब दुगलापन है। मस्क ने गुरुवार को कहा कि वह उनके टिक के लिए व्यक्तिगत रूप से स्वयं भुगतान कर रहे हैं। भारत में कई सरकारी मंत्रालय जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, जो कि देश में ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्मों को नियंत्रित करता है, उसने भी अपना ब्लू टिक खो दिया है। DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के आधिकारिक हैंडल भी अब सत्यापित नहीं है। शाहरुख खान, सलमान खान और आलिया भट्ट जैसी फिल्म उद्योग की मशहूर हस्तियों तथा विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, स्मृति मंधाना, PV सिंधु जैसे खिलाड़ियों ने अपने ब्लू टिक खो दिए हैं। अमिताभ बच्चन जी ने इसके लिए भोजपुरी में शिकायत की थी कि उनका ब्लू टिक बहाल नहीं किया गया है, जबकि उन्होंने इसके लिए पहले ही भुगतान कर दिया था। वहीं अन्य राजनीतिक नेताओं की बात करें तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल, MK स्टालिन, ममता बनर्जी, पिनराई विजयन, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अशोक गहलोत आदि प्रमुख राजनेताओं के पास भी अब ब्लू टिक नहीं है। आम आदमी पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, CPIM और DMK के ट्विटर प्रोफाइल जैसे राजनीतिक दलों ने भी अपना सत्यापन चिन्ह खो दिया है। ये जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मस्क ने फैसला किया है कि ब्लू टिक की अनुमति केवल उन्हीं को दी जाएगी जो ट्विटर ब्लू सेवा के लिए मासिक शुल्क का भुगतान करते हैं, जबकि अपने पिछले मालिकों के तहत ट्विटर ने उपयोगकर्ताओं को मुफ्त में ब्लू टिक दिया हुआ था। ये सुविधा 2014 में शुरू की गई थी सार्वजनिक आंकड़ों को फर्जी खाते से अलग करने में और गलत सूचना के प्रसार से निपटान में मदद मिल सके। ब्लू टिक का मतलब अब ये नहीं है कि अकाउंट वेरीफाइड है, बल्कि अब यह केवल यही इंगित करता है कि विशेष उपयोगकर्ता के पास इस सेवा की सदस्यता है, उसने सब्सक्रिप्शन लिया है और उसने ट्विटर को अपना फोन नंबर प्रदान किया है। गौरतलब है कि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब ट्विटर यूजर्स ने अपना ब्लू टिक खोया है। उसने नवम्बर 2022 में कुछ देशों में ट्विटर ब्लू सेवा शुरू की थी, लेकिन इसका विरोध भी हुआ था। उन्हें टिक के लिए कीमतें भी कम करनी पड़ी। शुरुआत में मस्क ने प्रतिमा $20 चार्ज करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन बाद में इसे $8 कर दिया गया। ट्विटर पर अचानक से उभरने वाले कुछ फर्जी खातों के बाद मस्क ने सेवा को अस्थायी रूप से निलंबित करने के लिए उनको स्वयं विवश होना पड़ा था, जिसमें कुछ अपने उनके स्वयं के जैसे टेस्ला और SpaceX के भी अकाउंट शामिल थे। अगर इस सेवा की कीमत की बात करें तो भारत में एंड्रॉयड और iOS दोनों यूजर्स के लिए ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन के लिए ₹900 प्रतिमाह खर्च करने पड़ेंगे। वेब सेवा के लिए तकरीबन जो लागत है वो ₹650 है। उपयोगकर्ता वेब सेवा के लिए ₹6800 की वार्षिक सदस्यता का भी एक प्लान है, जिसको वे चाहे तो चुन सकते हैं। iOS और एंड्रॉयड पर वार्षिक सदस्यता की लागत प्रतिवर्ष ₹9400 है। ये जानते हैं कि ट्विटर ब्लू यूजर्स को उस कीमत में क्या क्या प्रदान करेगा। ब्लू टिक पहले कई लोगों के लिए गर्व का विषय हुआ करता था, एक तरीके का डिजिटल स्टेटस सिंबल था।
जिन लोगों के पास यह था उनमें से कुछ लोग इसका दिखावा करते थे और बहुत से लोग जिनके पास बड़ी संख्या में फॉलोअर्स होने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं था वह ट्विटर की कथित मनमानी की शिकायत करते थे। ब्लू टिक अब किसी के लिए भी उपलब्ध हो बशर्ते जो इसके लिए भुगतान करने के लिए तैयार हो। ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन लेने पर यूजर्स को कई तरीके के फायदे मिलते हैं। इसका सबसे पहला फायदा यह है कि ट्वीट को एडिट करने का विकल्प मिल जाता है। हालांकि इसके लिए 30 मिनट की टाइम लिमिट होगी। आप ट्वीट करने के बाद उसे 30 मिनट तक एडिट कर सकते हैं। हालांकि इसके बाद ट्वीट पर एडिट का लेबल लग जाएगा। बुकमार्क फोल्डर्स का ऑप्शन मिलेगा। इसमें अनलिमिटेड बुकमार्क या बुकमार्क फोल्डर बनाए जा सकते हैं। आप ट्वीट को सेव करके रख सकते हैं। इसमें अंडू ट्वीट का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। इससे आप ट्वीट को विजिबल होने से पहले ही अंडू कर सकते हैं। यूजर्स को फुल HD क्वालिटी के वीडियो अपलोड करने की भी सुविधा प्रदान की जाएगी इस कीमत में। आइए इसको भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में फर्जी और वास्तविक अकाउंट में अंतर आसानी से किया जा सकेगा जैसा कि दावा किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लू टिक अब केवल यह इंगित करता है कि उपयोगकर्ता ने ट्विटर ब्लू सेवा के लिए भुगतान किया है और अपना फोन नंबर प्रदान किया है। तो ऐसे में यदि ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर इम्पर्सोनेट यानी किसी को धोखा देने का कार्य चुनता है तो वास्तविक और फर्जी खाता बता पाना काफी ज्यादा मुश्किल कार्य होगा। यह सुनिश्चित करने का एक तरीका यह हो सकता है कि खाता एक वास्तविक व्यक्ति का है और उसे हमको फिर अन्य स्रोतों और वेबसाइटों से क्रॉस रेफरेंस करना होगा, उसके अन्य स्रोतों से जांच करनी होगी। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि इसमें समय ज्यादा लगेगा और मेहनत भी ज्यादा लगेगी और बहुत से लोग ऐसे होते हैं दोस्तों कि जो नकली खाते को असली खाता समझने की गलती कर बैठते हैं। तो ये हमारे लिए एक समस्या है। कैसे होगा इस पर अभी भी कोई बहुत स्पष्टीकरण नहीं है। ताकि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने फर्जी खातों को कम करने के लिए कुछ उपायों की घोषणा तो की है लेकिन उनकी प्रभावशीलता देखी जानी अभी बाकी है। द गार्जियन जो कि एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर ने कहा है कि यह केवल डिस्प्ले नाम और प्रोफाइल फोटो वाले खातों पर बैस लगाएगा जो पिछले 30 दिनों से सक्रिय रहे हैं और 30 दिनों से अधिक उनका अकाउंट पुराना होना चाहिए। कंपनी का यह भी कहना है कि वह उन खातों पर नीला चेकमार्क नहीं लगाएगी जिन्होंने हाल ही में प्रोफाइल फोटो डिस्प्ले नाम या उपयोगकर्ता नाम बदले हैं। आइए जानते हैं कि कुछ उपयोगकर्ताओं के प्रोफाइल पर जो गोल्ड और ग्रे टिक दिख रहे हैं उसके क्या मतलब है। ट्विटर सरकार से संबंधित अकाउंट्स को ग्रे टिक दे रहा है। उदाहरण के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आदि के अकाउंट्स में अब ग्रे टिक आपको दिखा मिलेगा। तो जो सरकारी बॉडीज हैं, जो सरकार से संबंधित अकाउंट हैं, उनको ग्रे टिक प्रदान किया जा रहा है ट्विटर के माध्यम से। हालांकि सभी सरकारी निकायों के पास ग्रे टिक नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के पास ना तो ब्लू टिक है और ना ही ग्रे टिक है। BMC के पास ब्लू टिक है। ट्विटर के मुताबिक गोल्ड टिक यह इंगित करता है कि खाता ट्विटर सत्यापित संगठनों के माध्यम से एक आधिकारिक व्यावसायिक खाता है। पेप्सी, मैकडोनाल्ड्स और बर्गर किंग जैसी कंपनियों के खाते पर गोल्डन टिक है। द इंडियन एक्सप्रेस, NDTV और इंडिया टुडे जैसे जो कुछ प्रमुख मीडिया संगठन हैं, इनको भी इन्हीं टिक के साथ टैग किया गया है। कुछ वेरीफाइड संगठनों को एक निश्चित संख्या में मुफ्त में गोल्ड टिक की पेशकश की गई है। तो आज के सेशन में इतना ही साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ जानने और सीखने को मिला होगा और आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ना भूलें। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप सभी लोगों का हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।